आप देख रहे हैं C20 न्यूज। चलिए देखते हैं फिरोजाबाद जिले की खास खबरें। फिरोजाबाद जिले के शुकोहाबाद विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ओम प्रकाश वर्मा ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर अपनी मजबूती दावेदारी की पेश किया। नगर में प्रचार के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश वर्मा ने नगर पालिका के समीप बने कार्यालय से रोड शो की शुरुआत कर अपने समर्थकों के साथ की। रोड शो नारायण होटल, तहसील त्राहा, पक्का तालाब, कटरा बाजार, एटा त्राहा, मैनपुरी त्राहा, बड़ा बाजार, स्टेट बैंक, पतवारी मंदिर, पहलीबाई चौराहा होते हुए कार्यालय पर जाकर समाप्त हुआ। रोड शो के दौरान उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह देखने को मिला। इस दौरान नगर में लोगों ने जगह जगह फूलमालाएं, पुष्प वर्षा एवं पगड़ी पे बांधकर प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया। उत्साह युवाओं में भी उत्साह दिखाई दिया। भाजपा प्रत्याशी ने सभी वर्गों से वोट देने की अपील की। इस दौरान इलाके के तमाम वरिष्ठ भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो देखते रहिए निकुंज यादव की एक खास रिपोर्ट। मिल रहा है आपको, जनता ने तय कर रखा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के लिए। 20 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो यहाँ फिरोजाबाद की और सुकावाद के पूरे जिले की जनता भारतीय जनता पार्टी में हो चुकी है। और आपने कल देखा जिस तरीका से मेरी विधानसभा में जन सैलाब उमड़ा सुकावाद विधानसभा का, उसी तरीका से पांचों विधानसभाओं में लोगों ने तय कर रखा है कि हम योगी मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी के समय में और इनके जो गुंडे हैं, गुंडों को समाप्त करने के लिए लोगों ने मन बना लिया है कि यहाँ के सड़कों का और जो कमीशन जाता था वो सेफ ही नहीं जाएगा। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की सड़कों पर पैसा लगाने का काम करेगी, जिससे अच्छी से अच्छी सड़क बने, जनता को सुविधा मुक्त जो समस्या जो आती है गड्ढाओं की वो मुक्त, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सड़कों का काम जो और तमाम जैसे आवास देने का काम और जो योजना दी है बहुत अच्छी से अच्छी देने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। ओम प्रकाश वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा। संदेश क्या देंगे? मैं अपनी चुकाबाद की जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, उनके चरणों में शीश नवाता हूँ कि मुझे आज अपना बेटा, भाई, भतीजा समझकर 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा बूथों पर मुझे भारी बहुमत से जिताकर भेजे। मैं आपका हमेशा और आपके सेवा करता रहूंगा और ईमानदारी से करूंगा। जो आपने मुझे 20 दिन का समय दिया जिसमें आप तक नहीं पहुंच पाया, मैं क्षमा याचना करते हुए और योगी मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और मोदी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, हमारी सरकार बनाने के लिए वोट दें 20 तारीख को और फूल वाला बटन दबाएं। मेरी आप लोगों से निवेदन है, आपके चरणों में शीश नवाकर आपसे गुजारिश करता हूँ। इस शहर शुकोहाबाद के नगर वासियों के चरणों में सत सत नमन किया है, प्रत्येक के घर जाकर प्रणाम किया है। हम आशा ही नहीं विश्वास के साथ कह सकते हैं 98 विधानसभा कमल का फूल खिलाकर योगी जी की माला में अपना सहभागिता प्रदान करेगी। और माननीय ओम प्रकाश वर्मा जी विधानसभा में बैठकर शिकवावाद के विकास के मुद्दों को बुलंद करेंगे, ऐसी मेरी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। जय श्री राम, जय श्री राम। किस तरह का जनाधार मिल रहा है आप लोगों को? जनाधार अपार मिल रहा है, अपार जन समर्थन। आज कटरा बाजार से होके बड़े बाजार, काजी टोला होते हुए, रुकनपुरे होते हुए, स्टेट बैंक और स्टेशन रोड होते हुए जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माननीय ओम प्रकाश वर्मा जी के द्वारा अपार जन समूह के संग चलाया गया। जनता का आशीर्वाद इतना प्राप्त हो रहा है, एक एक आशीर्वाद वोटों में तब्दील होगा परसों। और ये हमें विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है कि फिर दोबारा भगवा शिकोहाबाद विधानसभा में लहराएगा। और पिछली बार हमारे फिरोजाबाद जनपद में जो एक सीट रह गई उस पर भी इस बार भगवा लहराना जा रहा है। और 20 तारीख को जनता वोट का बटन दबा के यही नहीं कुछ चंद गलत पार्टियों को बाहर निकालेगी, बल्कि
गुंडों का, माफियाओं का, लुटेरों का प्रदेश से पूर्ण रूप से सफाया करेगी। और 10 तारीख को प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भारी मतों से, भारी सीटों से दोबारा बनने जा रही। अरे ओ सांभा, घोड़ा पालना बहुत महंगा हो गया, सोच रहा हूँ बजाज प्लेटिना ले लूं। जी सरदार, पेट्रोल हो गया 100 के पार, अब तो ले लो प्लेटिना सरकार। जी हाँ, हमारा पता नोट करें, A1 बजाज महनपुरी चौराहे के पास, कृष्णा नगर शुकुहाबाद। मोबाइल नंबर नोट करें 9808 8499 25।